फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। मैं आपको मेजरमेंट बताता जा रहा हूँ, तो 6 सेंटीमीटर का पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए हॉरिजॉन्टल मैनर में। फिर उसके बाद आप लोगों को इससे यहाँ पर स्केल को प्लेस करके सेम 6 सेंटीमीटर का एक और लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस पर ड्रॉ कीजिएगा ताकि इसकी एजेस को आप थोड़ा सा कर्व रख पाएँ। देखिए, ये जो हमने स्पेस लीव कर दिया है, अभी इसे हम कर्व कर देंगे। आपको शार्प पॉइंट से इन्हें कनेक्ट नहीं करना है, कर्व कर देना है। सेम आप लोगों को राइट हैंड साइड भी करना है। और यहां से हमने कर्व कर दिया। नाउ गाइस, आप लोगों को ऊपर से यहां पर देखिए सेंटर से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। इसके अंदर जो पाइप है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया है। और ऐसे थोड़े से डिस्टेंस पर आप लोगों को एक और लाइन ड्रॉ करना है। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोनों साइड से इसे क्लोज कर देना है अब हमें। नाउ गाइस, आप लोगों को ऊपर की तरफ से एलोंगेट करते हुए राइट हैंड साइड की तरफ को आपको कर्व कर देना है। सेम मैनर में आप लोगों को यहां पर इसे पाइप की तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्लोज कर देना है यहां से। ये मैंने कर दिया। अब हमें ड्रॉ करना है इसमें वाटर, मतलब कि इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो आप लिक्विड को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। अगर आपने अभी तक इस डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ इसे कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा रहा हूँ। आपको सिंपली मुझे फॉलो करना है। ये लाइटली हमने लाइन इसलिए ड्रॉ किया ताकि इतने पोर्शन को हम लोग शेड कर पाएँ। इसके अंदर आप लोग सल्फाइड ओर ड्रॉ कर लीजिए। एंड में हम लोग लेबलिंग भी करेंगे। अब मैं इसे शेड कर देता हूँ। आपको ज़्यादा डार्क शेड नहीं करना, लाइट हैंड के साथ बिल्कुल शेड करना है। मैं आपको थोड़ा शेड करके दिखाता हूँ, फिर मैं कर दूंगा वीडियो को फास्ट। आप लोग शेड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सेम हमें राइट हैंड साइड भी करना है। तो ये हमने शेड कर लिया। अब हमें नीचे के सेक्शन पर यहाँ पर अंदर 5 यहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। आप 5 नंबरिंग में ही ड्रॉ कीजिएगा। ऐसे ही सेम आपको राइट हैंड साइड भी 4 ड्रॉ कर लेने हैं। अब हमने ऑलमोस्ट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब लास्ट स्टेप बचा हुआ, जो कि यहाँ पर नीचे आपको कुछ इस तरह के डॉट्स ड्रॉ करने हैं। ज़्यादा क्लोजली ड्रॉ मत कीजिएगा, आपको इसके ऊपर अभी एक और लाइन से बिल्कुल सीधी से आपको डॉट ड्रॉ करने हैं ऐसे ही सेम बिल्कुल। मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारे एक साथ ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम लोग ऊपर के सेक्शन पे ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया कंप्लीट। अब मैं इसकी फर्दर लेवलिंग कर लेता हूँ, अगर आपका इनकम्प्लीट रहेगा तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। देन आफ्टर गाइज, ये हमारा लेवल डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलेगा। और अगर आपको किसी और डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।